प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को फोन कर उनकी सेहत का अपडेट लिया। मोदी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। पीएम ने उनकी पत्नी डोना गांगुली से भी बात की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को सीने के दर्द की शिकायत के बाद शनिवार को कोलकाता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस बीच रविवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। इससे पहले पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी को गांगुली को देखने शनिवार को अस्पताल पहुंची थी। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली राजनीति में उतर सकते हैं। वहीं डॉक्टर्स ने बताया कि शनिवार को गांगुली ने अच्छी तरह से नींद ली। उनकी सेहत में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई। सुबह उन्होंने चाय नाश्ता भी किया। शनिवार को उनकी ईसीजी टेस्ट रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। सोमवार को उनके आगे के ट्रीटमेंट का प्लान पर फैसला लिया जाएगा। वहीं गांगुली जब से बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं तभी से उनकी भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते ही वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने गए थे। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरव गांगुली जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि खुद गांगुली ने इस मुलाकात पर कहा था कि अगर राज्यपाल मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे मुलाकात करनी चाहिए, इससे ज्यादा इसके मायने ना निकालेंगे। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।